काउंसलिंग सर्विस वाई इज काउंसलिंग सर्विस इम्पोर्टेंट इन स्कूल एंड हाउ डज इट एफेक्ट अ स्टूडेंट लाइफ एंड वट इज द रोल ऑफ द टीचर दैट इज इम्पोर्टेंट इन अलिंग हम जब काउंसलिंग सर्विस की बात करते हैं तो काउंसलिंग सर्विस जो है वो बहुत सी डायमेंशन को फेसिलिटेट कर रही होती है मेन अ टीचर इमर्जेस एज अ काउंसलर अ टीचर फेसिलिटेट अ स्टूडेंट इन वेरियस डायरेक्शन

मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है एक तलब इम जो है वो उसकी मैथमेटिकल एबिलिटीज जो हैं वो बुरी हैं इस वजह से नहीं कि वो उसमें उसकी स्किल नहीं है बल्कि इस वजह से कि वो फोकस नहीं कर पाता ही और शी हैज़ अ सर्टन काइंड ऑफ फियर अबाउट मैथमेटिक्स तो वहाँ पे स्किल पर फोकस करना तो ज़रूरी है ही उसके फियर पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है तो स्टूडेंट्स को यह बताना जरूरी है कि ही और शी डज नॉट लैक इन अंडरस्टैंडिंग ही और शी हैज टू वर्क ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी तो बहुत से फियर्स जो हैं बहुत सी इनएडिक्वेसी जो हैं उन पर काबू पा लिया जाता है वंस स्टूडेंट्स दे बिगिन टू अंडरस्टैंड एंड हेयर द रोल ऑफ द टीचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं कि वो अपनी स्किल्स को समझ नहीं पाते दे आर अनएबल टू डिस्कवर देम सेल्व्स दे आर अनेबल टू डिस्कवर देयर स्ट्रेंथ्स दे आर अनेबल टू डिस्कवर देयर वीक एरियाज एंड दे कॉन्टीन्यू विद पैटर्न एंड देन दे रिमेन एवरेज परफॉर्मर्स तो स्टूडेंट्स को हम बहुत बेहतर तरीके से उनके इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं अगर हम उनमें खुद जो है वो जिम्मेदारी पैदा करें और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है वो तभी हो सकती है वेन आर स्टूडेंट स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज और हर बिहेवियर्स एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये जो अटोनॉमी है ये बहुत जरूरी है डेवेलपमेंट ऑफ अटोनमी इज इंपॉर्टेंट अ स्टूडेंट्स नीड टू सेल्फ डायरेक्ट हिज और हर बिहेवियर एंड दैट ओनली कम्स वेन ही और शी एज्यूम्स द लीडरशिप रोल इन पॉलिशिंग हिज और हर ओन पर्सनैलिटी और इसमें जो राह है वो टीचर नहीं दिखानी है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डू चिल्ड्रन नो डू स्टूडेंट्स नो हाउ टू डिवेलप दैम व्हाट वट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर इज कि जो सेल्फ डिवेलपमेंट है वो जो है किस तरह की जा सकती है सेल्फ डेवलपमेंट से ये मुराद है कि एक सिस्टमेटिक जर्नी जो है स्कूल में उसको किस तरह ट्रैक के ऊपर रख कर प्रोग्रेस की जा सकती है हम जब ट्रैक की बात करते हैं सो लीनियर इम्प्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट व्हाट अ चाइल्ड वॉज येस्टडे ही और शी हैज टू गो हैड फ्रॉम दैट पॉइंट जो सेल्फ डेवलपमेंट है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट ओनली कम्स थ्रू अ रियलाइजेशन एंड दैट ओनली अगेन कम्स बिकॉज ऑफ अ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ स्टूडेंट फील्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ जब तक स्टूडेंट में एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकता और एहसास जिम्मेदारी जो है उसको सही डायरेक्शन देना जो है वो स्कूल और टीचर की जिम्मेदारी होती है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज एरियाज सो दैट स्टूडेंट्स दे प्रोग्रेस सिस्टमैटिकली इन स्कूल अगेन वॉट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ इन्वायरमेंटल नॉलेज माहौल के बारे में आगाही स्टूडेंट्स जो हैं वो किस माहौल में हैं और उस माहौल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वहाँ पर किस तरह बिहेव करना है मुख्तफ डायरेक्शन में किस तरह जाना है ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सोशल ग्रुप में रह कर बखूबी सीखी जा सकती हैं और सही डायरेक्शन जो है वो दी जा सकती है सो प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप्स की जो डेवलपमेंट है दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सो इन ऑर्डर टू डिवेल्प हेल्दी रिलेशनशिप्स इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू वर्क क्लोजली टुगेदर सो दैट एक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी सॉटेड आउट ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझें कि उनको एक जिम्मेदाराना रवैये के साथ स्कूल में आना है और सीखना है ताकि वो अपनी तरक्की जो है उसमें खुद एक मेन किरदार अदा कर सकें ये तभी मुमकिन है जब टीचर्स जो हैं वो सही तौर पर तवज्जो देंगे और इस चीज़ की जहाँ पर अशद जरूरत है वहां पर इसका इस्तेमाल करना स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करना जो है वो बहुत अहम है आम तौर पर जहां प्रेसिंग नीड हो वहां पर ये बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि उनके रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर्स क्या हैं वो किस तरह अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं वो किस तरह अपने आप को सही समझ सकते हैं वो स्टूडेंट्स जो जिनकी वीकनेसेस बहुत ज्यादा हैं या जो डी ट्रैक हुए हुए हैं Unke liye it is all the more important to provide counselling services because then they can systematically develop themselves and they can come on track. So this is the responsibility of the school and teacher to find out those students who are extremely weak in certain behaviour patterns, in certain academic patterns. So through the use of proper counselling services, they can be put on track and then they can progress systematically.